वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वनाथ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीलिंग फैन में किस प्रकार के कैपेसिटर लगाए जाते हैं, यानी सीलिंग फैन में कितने वैल्यू यानी MFT वाले कैपेसिटर लगाएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस वीडियो में कि आपको किस प्रकार के कैपेसिटर लगाने चाहिए, मेटल वाले या प्लास्टिक वाले, कौन से बेहतर होंगे और कौन से अच्छे परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा किस वोल्टेज में आपको कितना साइज का कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी नॉलेज मिलेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब होते ही बगल में बेल आइकन है, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सीलिंग फैन में कैपेसिटर कुछ प्लास्टिक वाले आते हैं और मेटल वाले आते हैं। तो इनमें से कैपेसिटर जो है वो मेटल वाले अच्छे होते हैं, उनमें ऑयल उसमें इंक्लूड रहता है, इनमें उसके अंदर ऑयल रहता है। साथ ही साथ वो लीकेज की संभावना होने में बहुत कम होता है, यानी उस कैपेसिटर में लीकेज नहीं होता है और ख़राब भी नहीं होता है, इससे 5 गुना अच्छे परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ उसके कैपेसिटी भी अच्छी परफॉर्म करते हैं। बट प्लास्टिक का ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं जब मेटल की तुलना में। तो इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि अगर आप मेटल वाला लगाइएगा तो आपका जो सीलिंग फैन है वो काफ़ी दिनों तक आप अच्छे परफॉर्म करेंगे। और साथ ही साथ देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, 315 और 250 और 4। तो इनमें से कौन सा लगाना चाहिए? तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ एरिया में अगर 150 से लेकर 200 तक अगर वोल्टेज आते हैं, यानी 150 से लेकर 180 के बीच में अगर वोल्टेज आते हैं, तो उस कंडीशन में आप 315 यानी 3.15 MFD का कैपेसिटर लगाइएगा, जिसमें आपको अच्छी परफॉर्म मिलेंगे। क्योंकि उस एरिया में वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम होने के कारण उसका जो कॉयल में जो भी वोल्टेज 220 वोल्ट जाना चाहिए वो नहीं जाते हैं, जिसके कारण उसका जो स्पीड है RPM में घट जाती है, यानी स्पीड उसका घट जाता है। तो उस कंडीशन में आपको 3.15 यानी 3.15 का कैपेसिटर लगाना चाहिए, जिसमें आपको अच्छा परफॉर्म मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस तरह के मेटल वाले कैपेसिटर 315 का लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जिस एरिया में वोल्टेज अच्छे खासे रहते हैं, यानी 200 से लेकर 180 से लेकर 220 के बीच में, तो उस कंडीशन में आपको 250 का ही कैपेसिटर लगाना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा कैपेसिटर वैल्यू वाला लगाइएगा तो आपका कॉइल ख़राब हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको मेटल वाला 2.50 MFD का कैपेसिटर लगाना होगा, यानी आपका वोल्टेज के मेजरमेंट के हिसाब से आपको कैपेसिटर लगाना जरूरी है। क्या होता है दोस्तों, अभी तो नकली वाले कैपेसिटर बहुत आ चुके हैं, जिसका वैल्यू तो दिखाता है 3.15 बट वो होता नहीं है, 250 दिखाता है बट वो होता नहीं है, तो उसका वैल्यू जो है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि दोस्तों 2-3 कैपेसिटर कोई पंखा में जोड़ देते हैं, ऐसा ना कीजिए। कहें कि ऐसा करने से आपका जो कॉयल का परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, और साथ ही साथ उसका जो कॉयल का टेम्पर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और कॉयल जल भी सकता है। तो इस कंडीशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वोल्टेज के आधार पर आपको कैपेसिटर लगाना है। तो इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।